नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं कुछ देश विदेश की मुख्य खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में आज 5G सर्विस लॉन्च करेंगे। ये सर्विस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस के में लॉन्च करेंगे। इंडियन मोबाइल कांग्रेस का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में 1 से 4 अक्टूबर तक किया जाएगा। एयर इंडिया अगले 3 महीनों में बर्मिंगम, लंदन और सैन फ्रांसिस्को के लिए 20 अतिरिक्त साप्ताहिक फ्लाइट्स शुरू करेगी। टाटा के स्वामित्व वाली एयरलाइंस ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को मजबूत बनाने की योजना बनाई है, जिसके तहत ये फ्लाइट शुरू की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट कलेजियम ने हाईकोर्ट के 3 जजों का चीफ जस्टिस पद के लिए प्रमोशन किया है। जस्टिस जसवंत सिंह को ओडिशा हाईकोर्ट, जस्टिस पीबी वर्ले को कर्नाटक हाईकोर्ट और जस्टिस अली मोहम्मद मगरी को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। इन्हें सेना की अग्निवीर भर्ती में बाधा डालने का काम सौंपा गया था, पुलिस ने ये जानकारी दी। संघ प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि बताने वाले ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर उमर अहमद इलियासी को अब फोन पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इलियासी का कहना है कि उन्हें देश विदेश से भी धमकी भरे फोन आए हैं। कश्मीर में सेब की बम्पर फसल हुई है, लेकिन बागवानों की मेहनत के फल जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सड़ रहे हैं। सेब से लदे ट्रक 2-3 दिन तक रुके रहते हैं, ऐसे महीने भर से जारी है। बागवान इसे एक तरह की लूट बता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पेश किए गए निंदा प्रस्ताव पर मतदान से भारत दूर रहा, जिसमें रूस के अवैध जनमत संग्रह की निंदा की गई है। ये प्रस्ताव अमेरिका और अल्बानिया की तरफ से पेश किया गया था। ईरान में 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद विरोध प्रदर्शन अभी थमे भी नहीं थे कि एक और मामला सामने आया है। शुक्रवार को जेदान शहर में 15 साल की बलोच लड़की से रेप के विरोध में प्रदर्शन किए। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।